अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बहुत खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपने लुक तो मेरी देख ली होगी। सो जो स्टार्ट में मैंने अपनी पिक्चर्स लगाई तो ये लुक हम करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा लाइट है। कहीं पर भी हम लोग डेली लुक भी कर सकते हैं ये इसको हम, और जैसे डेली कहीं हमने जाना है पार्टी मेकअप भी बोल सकते हैं। और मतलब बहुत ही मिनिमल मेकअप लुक है। आई मेकअप बहुत हैवी नहीं किया है मैंने इस पर। तो सबसे पहले तो मैं अपनी आईब्रो फिल करती हूँ। जब आईब्रो फिल हो जाती है ना तो फिर मतलब लगता है कि आइज़ की जो वो जगह है वो हमें क्लियरली नज़र आती है कि हमें कहाँ सही से मेकअप करना है करेंगे। तो मेरी आईब्रो बहुत लाइट है इसलिए मुझे फिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप लोग की इतनी ज़्यादा अच्छी हैं तो फिर ज़रूरत नहीं है कि उन्हें फिल किया जाए, बस इसको स्पूली से क्लियर कर लिया करें अच्छे से। खैर ये मैं इसके कंसीलर लगा रही हूँ ताकि मैं अगर इधर उधर कहीं पर मैंने ब्रश लगा दिया है तो वो क्लियर हो सके, तो आईब्रो की शेप सही लग सके, बन सके। तो दूसरी वाली भी मैंने कर ली है। अब मैं इसका ये ग्लैम वाइब मैविश का जो है ना ये करेक्टिंग पैलेट लूँगी जिसमें से मैं कलर करेक्टिंग करूँगी। ये मेरी डार्क सर्कल्स आइज के देख रहे होंगे आइज पर आप लोग इतने ज़्यादा हैं तो उसको मैंने इससे जो है ना कवर करना है ताकि फिर हम फाउंडेशन लगाएं तो हमारी फाउंडेशन ग्रे ना हो। अगर आपकी भी इस तरह से कोई भी डिस्कलरेशन है, पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स हैं तो ज़रूर उनको पहले कवर किया करें कंसीलर से, कलर करेक्टर से, कोई भी कलर करेक्टर जो आपके स्किन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डार्क हो एक नंबर, तो उससे ही आप अपना कलर करेक्टर किया करें। अब देन मैं इसके ऊपर कंसीलर लगा रही हूँ जो कि बिल्कुल नेचुरल शेड है। ये मैंने आइवरी शेड नहीं यूज़ करा ताकि बहुत ज़्यादा वाइट ना लगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल शेड मैंने यूज़ करा है ब्यूटी आइकॉन बाय एमएल का। तो इसके बाद मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है बहुत अच्छे से ताकि कोई इसकी लाइन नज़र ना आए मुझे और ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। देखिए मेरे जो डार्क सर्कल्स थे वो अब हाइड हो चुके हैं। अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट अपने आइज़ के ऊपर डायरेक्ट लगाती ये कंसीलर या कोई भी फाउंडेशन या कुछ भी तो वो मेरी ग्रे हो जाता क्योंकि मेरा डार्क सर्कल ज़्यादा थे। तो ये मेरी इस वीडियो में मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं, अब काफ़ी कम हो गए और ये पिगमेंटेशन और थोड़े से एक्नी के थोड़े से डार्क मतलब स्पॉट्स भी थे। पिगमेंटेशन तो नहीं है मगर ये मतलब कोई भी ज़रा से भी डिस्कलरेशन हो तो उसको आप इसी तरह से हाइड कर सकते हैं। ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी फाउंडेशन बहुत फ्लॉलेस लगे। और एक बात मैं बताते चलूँ, इससे पहले मैंने अपना जो है ना फेस को पहले मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया था, फिर 5-10 मिनट के बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया है क्योंकि ये दोनों चीज़ें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेकअप करने से पहले अपने फेस को प्रेप एंड प्राइम ज़रूर किया करें ताकि आपकी फाउंडेशन फ्लॉलेस लगे। अब मैं ये दो फाउंडेशंस को मिक्स करके फाउंडेशन का शेड बना रही हूँ। मुझे थोड़ा सा नेचुरल चाहिए था तो एक थोड़ी सी मुझे लाइट लग रही थी और एक बहुत थोड़ी सी मुझे डल लग रही थी, तो इसलिए मैंने दोनों को मिक्स कर लिया था। थोड़ा सा एक एक ड्रॉप दोनों के मैंने मिक्स कर लिए थे ताकि मेरा जो कलर है वो एग्जैक्ट मेरे फेस के मुताबिक हो जाए। वैसे तो मैं कहीं जा नहीं रही थी इसलिए मैंने नेक को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करा, तो ये मैंने सिर्फ वीडियो के लिए फिल्मिंग करने के लिए मैंने भी ये कर रही थी। तो अगर आप लोग कहीं भी जाना हो आप लोगों को या कुछ भी तो जाहिर सी बात है आप लोगों को नेक को कवर करना ज़रूरी है। जब हम अपने मुंह पर फाउंडेशन लगा लेते हैं तो फिर हमारी नेक बिल्कुल ही अलग लग रही होती है। अभी यही मैंने कंसीलर लिया है, यही निप प्लस फेब का, तो इसको मैंने
अपने अंडर आई के लिए यूज़ किया है, जिस तरह आप देख सकते हैं बहुत से लाइट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। जहाँ मुझे अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना है तो मुझे वहाँ पर, मैं इसलिए ये कंसीलर यूज़ कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। ये कंसीलर बहुत हाइड्रेटेड है, ये मैटिफाई कंसीलर नहीं है, क्योंकि मेरा जो मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मैं ज़्यादा मैटिफाई कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ। ये वाला मैंने कंसीलर लिया ही इसलिए था पूछकर कि ये मेरे स्किन पे सूट करेगा या नहीं, तो मैंने इसको इसीलिए लिया। और ये बहुत अच्छा ब्लेंड भी हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे लिए। अब मैं उसी करेक्टर वाली पैलेट से ही मैं ब्राउन क्रीमी शेड उठाकर, क्योंकि ये क्रीम ब्राउन है तो इसलिए ब्राउनर है, मतलब कॉन्टोरर है, कॉन्टोरिंग है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ताकि पहले मैं इसको क्रीम कॉन्टोर कर लूँ, उसके बाद मैं उसके ऊपर पाउडर कॉन्टोरिंग करूँगी ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। मेरी स्किन ड्राई है इसलिए मैं पहले क्रीम कॉन्टोर, पहले क्रीमी सारे प्रोडक्ट यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फेस पाउडर भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, अगर अच्छा हो तो ज़रूर यूज़ करती हूँ। जैसे ग्लो ब्यूटी का है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो मतलब मेरी स्किन अगर ड्राई है तब भी वो मेरी स्किन पर सेट हो जाता है, मेरी स्किन को और मज़ीद ड्राई नहीं करता। ऑयली स्किन वालों के लिए वो बहुत अच्छा है। मैं इसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। अपनी जॉ लाइन को भी मैंने थोड़ा सा किया है और नोज़ को भी। ये इस तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया इसको। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी और वीडियोस भी, मेरी काफ़ी वीडियोस हैं जो मैंने मेकअप से ली करी हैं, मेकअप के लिए मेकअप वीडियोस, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरी वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मज़ीद वीडियोस किसी भी टॉपिक पर बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें कि किस टॉपिक पे आप लोग मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं। स्किन केयर की भी इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो जल्द शेयर करूंगी और हेयर की भी इंशाल्लाह। अब मैंने सबसे ज़्यादा लाइटर शेड मैंने उठा के पहले इसको अपने पूरे उस पर लगा लिया है एज अ ट्रांजिशन शेड। अब मैं जो ना ये डार्कर शेड मैंने अपनी डेप्थ के लिए थोड़ा सा यूज़ करा है, क्योंकि मैंने आपको कहा ना ये बहुत ही लाइट सा मैं मेकअप कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डेप्थ देने की और बहुत ब्राउनिश और वो करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैंने ब्लेंडिंग ज़्यादा अच्छी किसी करके और फिर एक शिमर शेड उठा के सेंटर में मैंने लगा लिया। कोई सा भी शिमर शेड आपकी मर्ज़ी है, किसी भी किस्म का मेटालिक शेड उठाएं और उसको लगा लें इस तरह से। अब इसको ब्लेंड कर दें ताकि ये जो हार्श लाइन नज़र आ रही है ये नज़र ना आए आपकी। तो अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, नीचे भी मैं ऊपर वाले ही शेड लगा रही हूँ जो मैंने ऊपर यूज़ करे हैं वो, और जो मैंने डार्कर शेड किया है यूज़ वो भी, लाइट और डार्क दोनों नीचे मैंने लगाए हैं अपने अंडर आई एरिया में। तो मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। ये मैंने बहुत लाइट सा जो है वो सेटिंग पाउडर लगा लिया था। अब मैं ये पाउडर कॉन्टोर कर रही हूँ, ये मैंने एसेंस का यूज़ करा है, ये एसेंस का बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा सा ब्लेंड होता है। इसकी कॉन्टोरिंग करने से इसकी जो लुक है ना, मतलब फेस की लुक बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। अगर कभी मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं यही करती हूँ ब्राउनजर के तौर पर, तो ये भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसके ऊपर मैंने क्रीम कॉन्टोर के ऊपर इसलिए मैंने ये किया ताकि जो हमारा मेकअप है वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। नोज पे भी मैं यही कर रही हूँ इसी तरह से।
मैं मैंने एक पर आईलाइनर लगा लिया है, दूसरे पे लाइनर लगा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैंने पतला सा जो लाइनर लगाया है अपनी लैश लाइन के ऊपर, ये देखिए बहुत ही पतला सा। अब मैं इसी में से एक ब्राउन कलर लेके और इसको मैं ये एक एंगल ब्रश की मदद से इसको स्मज कर दूँगी, ताकि ये मतलब इसको मैंने सॉफ्ट लुक रखनी है, तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको स्मज कर लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप लाइनर अगर आपको अच्छा लगता है वैसे ही लगाना तो वैसे लगा लें, अगर स्मज करना है तो इस तरह भी बहुत प्यारा लगेगा। मैंने इसके ऊपर मस्कारा लगाना है, तो वो मस्कारा मैंने एसेंस का ही यूज़ किया है और इसके मस्कारे बहुत अच्छे हैं, एसेंस के सारे मस्कारे बहुत अच्छे हैं। जो भी लेना चाहे इंसान तो मतलब आँख बंद करके ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसके मस्कारे। मैंने लाइट सा जो है ना पीची पिंक शेड का ब्लशर लगाया है, बहुत प्यारा लग रहा था, ये बहुत नेचुरल सी लुक दे रहा था। मैंने इस पर लैशेस लगा ली हैं, बहुत ही लाइट वेट लैशेस लगाई हैं मैंने, क्योंकि मतलब ज़्यादा हैवी लुक तो नहीं देनी थी। इसलिए अगर आपकी मर्ज़ी, आप लोग आपकी अपनी लैशेस बहुत अच्छी हैं तो सिर्फ मस्कारा ही इतना कोट कर लिया करें कि लैशेस लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और मेरी लैशेस इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए मुझे मैंने लाइट लैशेस लगाई हैं, लेकिन लैशेस अपनी इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए लगानी पड़ी। मैंने इसके बाद मैंने ना उसको काजल नहीं यूज़ किया था, मैंने ये वाइट बेस यूज़ की है ब्यूटी आइकॉन बाय एम एन की, ये जो है ना वाइट लाइनर के तौर पर मैंने अंडर आए अपने वाटर लाइन में मैंने लगा दिया था। ये मुझे अच्छा लगता है काफ़ी वाटर लाइन में वाइट। मैं ये ब्राउन शेड का एक ग्लॉस और लिपस्टिक दोनों यूज़ करूँगी, पहले लिप्स लगाऊँगी फिर उसके ऊपर ग्लॉस लगाऊँगी, जो कि इस तरह से है। O2O का मैंने यूज़ की ये लिपस्टिक और लिप ग्लॉस दोनों 2-in-1। जब सबसे लास्ट में मैंने ये हाइलाइटर यूज़ किया, ये भी ब्यूटी आइकॉन बाय एम एन का है, बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त है कि जबकि देख रहे हैं आप लोग, एक दफ़ा ही लगाने में आपको नज़र आ रहा होगा कितना ही नाइस हो जाता है। मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट हाइलाइटर। हाइलाइटर तो जितना भी भर लेना इंसान तो कम ही लगता है, एंड में भी मैं हाइलाइटर लगाती रहती हूँ। चलिए जी, ये थी मेरी लुक, और अगर आप लोगों को मेरी लुक पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद मैं वीडियो बनाना भूल गई थी तो इसलिए मैं ये पिक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, पिक्चर ले ली मैंने पर वीडियोस नहीं बनाई, मुझे बिल्कुल भी भूल गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू। Thank you.